मंदिर पर हमले की पूरी घटना पुलिस के सामने हुई, पुलिस वहां मौजूद थी। पुलिस के सामने ही खालिस्तान समर्थक भारत विरोधी नारे लगा रहे थे, वहां मौजूद हिंदुओं को उकसा रहे थे, लेकिन स्थानीय पुलिस चुपचाप इसे देख रही थी। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि मंदिर पर हुए हमले में पुलिस की भूमिका पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। देखिए, पुलिस की पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों अपनाया, इसके बारे में बता रहे हैं पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल। मैं ये कहूंगा कि ये जो करा है इसमें साफ साफ इनकी नाकामयाबी है और नाकामी है, और एक तरह से एक जो सिचुएशन है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। क्योंकि अगर ये वोट बैंक की बात है, जो हिंदू टेंपल में आते हैं वो भी वोटर्स हैं, अगर ट्रूडो की सरकार उनके साथ में ठीक से उनको प्रोटेक्शन दे पाती है, उनकी जो जो पॉइंट ऑफ व्यू है समझ पाती है, तो वो भी एक तरह से वोट बैंक बन जाएंगे। चाहे वो 2% के बराबर नहीं हो लेकिन वोट्स तो हैं। तो ट्रूडो सरकार उनको अपने साथ में ले चलने में नाकामयाब रही है। और दूसरी चीज ये है कि एक तरह से जो खालिस्तान के समर्थक जो हैं उनके सामने घुटने टेकने वाली बात है ये, और ये इससे नुकसान केरल की सरकार को ही आगे होने वाला है।